ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह जनवरी मास अपने प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त मास का समय है, जिसमें हम सभी बच्चे प्यारे बाबा को याद करते हुए, उनको जीवन में फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सभी बाबा के बारे में थोड़ा सुनेंगे कि कैसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिसमें दादी जी का साथ का अनुभव, कि बाबा जिस समय जनवरी मास में का समय चल रहा था और बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी बाबा से मिलने आई पार्टी लेकर के, तो उस समय इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था, उसका निमंत्रण आया हुआ था, वहाँ सेवाएं भी चल रही थीं। तो बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चे वहाँ जाना है, लेकिन अपनी मनमोहनी दीदी जी थीं उनको भी जाना था मेले में, और उसी समय अपनी बड़ी दादी जी कुमारिका दादी जी भी पार्टी लेकर के आईं। तो बाबा ने कुमारिका दादी को रोक लिया कि पार्टी को वापस कर दो और कुछ समय रहो जब तक दीदी वापस आए, क्योंकि दीदी जी सेवा पर जा रही है। दादी ने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। दादी जी ने पार्टी को वापस कर दिया और दादी जी वहाँ पर रहीं। तो वह समय था 14-15 जनवरी का, बहुत सर्दी का समय बहुत था। बाबा रोज़ सुबह क्लास कराते थे और 17 जनवरी को बाबा ने क्लास कराई दोनों ही टाइम। उसके बाद 18 जनवरी सुबह में बाबा को थोड़ी सी तबीयत महसूस हुई, तो बाबा ने उस दिन सुबह क्लास नहीं कराई और सुबह कहा, शाम कहा, बच्चे मैं शाम को बच्चों से मिलूँगा, जल्दी ही भोजन बच्चों को करा दो और शाम की क्लास कराऊँगा। तो वहाँ की दिनचर्या तो वैसी ही रही, शाम को उस दिन बाबा के कहे अनुसार सभी ने भोजन जल्दी किया और क्लास में पहुँच गए। बाबा भी क्लास में पहुँचे, बाबा ने आधा घंटा क्लास कराई और क्लास के महावाक्य में बाबा ने उस दिन बच्चों को अच्छी तरह से दृष्टि दे करके क्लास करा के भरपूर किया। और जब बाबा जाने लगे, तो बाबा वैसे भी कब जब भी जाते थे बच्चों को पीठ नहीं देते थे, सामने से होते हुए हाथ हिलाते हुए और दरवाजे तक बच्चों से बाय बाय करते हुए जाते थे। उस दिन बाबा जब खड़े हुए और जाने लगे, तो बच्चों से कहा, अच्छा बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। ऐसे बाबा ने बच्चों को वरदान दिए और कहा, बाप विदाई लेते हैं। तो ये शब्द तो बाबा ने बोल दिया, इतना ख्याल किसी के नहीं गया, क्योंकि क्लास से जा रहे थे। बाबा कमरे में आए, दादी जी साथ में थी बाबा के, तो थोड़ा बाबा का तबीयत तो ढीली सर्दी के कारण थी, तो दादी जी ने लिटा दिया बाबा को कि बाबा आप आराम करिए। थोड़ी देर के बाद दादी जी अपने कमरे में भी चली गई, बाबा भी लेट गए। इधर बाबा को थोड़ा अंदर से जो भी हो रहा हो, बाबा उठ करके बैठ गए और उधर दादी जी का भी मन नहीं लगा, तो दादी जी भी आ गई बाबा के पास। देखा बाबा तो बैठे हुए हैं, पूछा दादी जी ने, बाबा आपको कैसा लग रहा है, तबीयत भारी है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो दादी जी ने उनकी तबीयत के हिसाब से डॉक्टर्स को बुलवाया, भाई लोग गए और डॉक्टर साहब को लेकर गए। इसी बीच में दादी जी बाबा से मिल रही थी और दृष्टि ले रही थी।
दृष्टि लेते लेते दादी जी के हाथ में हाथ बाबा का और बाबा का हाथ दादी जी के हाथ, दोनों ही नयन मुलाकात करते हुए हाथ में हाथ मिलाते हुए दृष्टि देते हुए बाबा ने अपना ये पुराना शरीर छोड़ा और आत्मा बतन में चली गई। दादी जी को लगा, क्योंकि हाथ ढीला होने लगा था, तो दादी जी को लगा कि बाबा लगता छुट्टी ले गए। तो दादी जी ने बाबा को लिटाया, इतनी देर में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब ने जब देखा तो कहा बाबा तो है ही नहीं, बाबा तो लगता उड़ गए। तो चलो ठीक है, लेकिन दादी जी के अंदर इतनी विल पावर आ गई थी, बाबा ने इतना विल पावर भर दी थी दृष्टि के द्वारा और हाथों के द्वारा शक्ति भर दी थी, कि दादी जी ने सबको खबर भेजी और कहा आप सभी आ जाइए, अपने प्यारे बाबा हम सबके बीच से विदाई ले चुके हैं। तो ये खबर सभी सुनते हुए, अचानक किसी को विश्वास हो रहा था, किसी को नहीं हो रहा था, फिर भी एक दूसरे से कन्फर्म करते हुए सभी मधुबन में आए। बाबा को उधर से अपने हिस्ट्री हॉल में लेके आए, वहाँ सभी बच्चे योग कर रहे थे, रात भर योग चला, बच्चे आते भी रहे। फिर बाबा के तीसरे दिन, दो दिन लगा सभी बच्चों को आने में और तीसरे दिन 21 तारीख को अंतिम संस्कार किए। संस्कार भी बाबा के घर में ही मधुबन में किया गया, जहाँ पर अपना प्यारा शांति स्तंभ बना हुआ है, वहाँ पर ही बाबा का अंतिम संस्कार हुए। तो संस्कार के बाद बच्चे रहे और गुलजार दादी जी ने प्यारे बाबा को भोग लगाया। इधर बच्चों की बहुत अंदर से बातें चल रही थी कि शिव बाबा आपने बाबा को क्यों बुला लिया, आपका तो वायदा था कि साथ में जाने का, साथ रहने का, और आपने अभी ही बाबा को बुला लिया। तो इसी बीच में जब गुलजार दादी जी ने भोग लगाया तो बतन में बाबा के से जो बात हुई, तो बच्ची ने पूछा बाबा आप अंत के समय का आपका अनुभव क्या था, कैसा आपको लगा और कैसे आपने छुट्टी ली। तो प्यारे बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से अपने लास्ट के समय का अनुभव सुनाया कि बच्चे अंत के समय इस शरीर रूपी कर्म भोग का कर्म योग से संघर्ष चलता रहा, काफ़ी देर तक युद्ध चली, फिर आत्मा ने कर्म योग बल के आधार से उस कर्म भोग पर विजय पाई। तो ऐसे करते हुए आत्मा ने विजय पा करके आत्मा कर्मातीत बन करके अपने प्यारे बाबा के पास पहुंच गई। ये अंत के समय की कुछ घड़ियों की ये सीन थी, ये पार्ट था, चलता रहा, फिर विजयी बन करके हम बाबा के पास आ गए। यह हमारा अंत के समय का पार्ट चला। तो ऐसे कहते फिर बाबा ने बच्चों को सबको याद दी और सभी ने फिर बाबा को भी याद दी। यह हमारा जो प्यारा शांति स्तंभ बना हुआ है, ये बाबा की ही यादगार का है, जहाँ पर बाबा के संस्कार हुए थे। आज हम सभी अपने प्यारे मधुबन घर में जाते हैं तो वही बाबा का कमरा है, जहाँ प्यारे ब्रह्मा बाबा साकार में रहे हैं, वही बाबा का जो पलंग है वहाँ पर, जिसमें विश्राम करते थे, लेटते थे, वही बाबा की गद्दी है जहाँ बाबा बैठ करके बच्चों से मिलते थे। तो मधुबन पहुँच करके वो यादें आ जाती हैं साकार की, और वही वो कुटिया है जहाँ बाबा सभी बच्चों को पत्र लिखते थे, पत्रों का जवाब देते थे, पत्र पढ़ते थे। तो ऐसे बाबा सभी समाचार लेते देते उस प्यारी सी कुटिया में बैठ करके
सभी बच्चों को याद प्यार भेजते थे। तो ये कहें कि बाबा का वो प्यारा सा मधुबन घर है, वही वो हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा ने बच्चों को प्यार से शिक्षाएं दे करके सजाया है, पालना दी है, प्यार दिया है और श्रृंगार किया है ज्ञान रत्नों से। तो ये हमारे चैतन्य में चारों धाम हैं। एक है हमारा शांति स्तंभ प्यारा बाबा का, जो दूर से ही ऐसा लगता है जैसे प्यारा बाबा बुला रहा हो। अपना प्यारा बाबा का कमरा पहुंचते ही ऐसे लगता है जैसे कमरे से बाबा हम बच्चों को बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। प्यारी सी वो कुटिया जिसमें बाबा हम बच्चों से सब बातचीत करके समाचार सेवाओं के लेते देते थे, जवाब देते थे। तो ऐसे कहें कि ये वो प्यारे सी स्थान साकार की यादें आ जाती हैं और वही प्यारा सा अपना क्लास हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा ने सब बच्चों को संगारा था ज्ञान रत्नों से और पढ़ाई पढ़ाई थी मनुष्य से देवता बनने की, जो आज भी हम सब बच्चे उसको जीवन में धारण करते हुए चल रहे हैं। तो जब जनवरी मास आता है तो वो मधुबन की यादें फिर से ताजी हो जाती हैं और फिर से अपने प्यारे बाबा की साकार यादें याद दिलाती रहती हैं, जो कि हम बच्चों को फिर से आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणाएं मिल जाती हैं। ये थे पिताश्री जी के अनुभव। ऐसे हमारे प्यारे पिताश्री जी जिनको हम सत सत नमन करते हैं। अभी हम सभी 3 मिनट के लिए अपने प्यारे शांति स्तंभ में बैठ करके बाबा से मिलन मनाएंगे, जो बाबा ने हम सब बच्चों को शिक्षाएं दी हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्यारे बाबा का शांति स्तंभ सारे विश्व को शांति देता है। प्यारे बाबा का ये पवित्र स्तंभ सभी आत्माओं को पवित्र बनने की, औरों को बनाने की प्रेरणाएं मिलती हैं। प्यारे बाबा का ये पवित्र स्थान सारे विश्व को पवित्रता की राह दिखाता है। प्यारे बाबा का जीवन एक ज्ञान स्तंभ है, जो हमें
की राह दिखा रहा है। जिए दान दे रहा है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मिल रहा है। ऐसे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन को फॉलो करते हुए हम सबको भी ऐसा स्थान बनना है यही प्यारे बाप दादा की आश है हम बच्चों पर। वह हम सबको मन वचन कर्म से